नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभिचार कर्म तंत्र कर्म के विषय में। कई बार चलता चलता काम व्यक्ति का रुक जाता है, लगातार धन में हानि होती रहती है, स्वास्थ्य में गिरावट रहती है, घर में टेंशन तनाव का माहौल बना रहता है, तो ऐसे में व्यक्ति को बहम पड़ता है, डाउट होता है कि किसी ने हमारे व्यापार में चिढ़ करके कोई तंत्र कर्म तो नहीं करा दिया। तो किया कराया जादू टोना का असर आपके घर में है या आपको केवल डाउट है, इस बात को आप बड़ी आसानी से बिना किसी के पास गए कैसे जान सकते हैं, केवल अपने आसपास घटी दो चार छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर। और इसका सटीक उपचार क्या है, तंत्र कर्म कैसे होता है, किस प्रकार इसके प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं, यही सब चर्चा आज की वीडियो में मैं करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। कई बार हम बिना मतलब का डाउट, बिना मतलब का बहम पाल लेते हैं कि किसी ने हमारे घर में कुछ करा दिया। कई बार हमारे घर में हमारे खिलाफ व्यापार में तंत्र क्रिया हुई होती है, हम भारी नुकसान उसका उठाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता। तो दो चार छोटी छोटी बातें बताता हूँ, इनसे स्पष्ट हो जाएगा कि कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके जीवन में है या नहीं है। नंबर एक, साथियों, जिस व्यक्ति के जीवन में तंत्र का या किसी बुरी शक्ति का, किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, अचानक से मानसिक और शारीरिक कमजोरी उसको फील होने लगती है। रात्रि में कई बार धड़कन का बढ़ जाना, रात्रि में सोते सोते दो से पाँच बजे के बीच में अचानक से आँख का खुल जाना, लगातार बुरे स्वप्नों का आना, बिजली जैसी कड़कड़ाना, लगातार पानी दिखाई पड़ना, लगातार बहुत बुरे और गंदे स्वप्नों का आना, इस तरफ इशारा करता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके जीवन को, आपके व्यापार को प्रभावित कर रही है। साथियों, एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपके जीवन में किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है कि नहीं है। शाम के समय पूजा में एक कटोरी में आप जल रखें और अपनी साधना उपासना करने के उपरांत अपने मन में यह भावना करें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में नकारात्मक शक्ति है वह इस जल के अंदर चली जाए। उसके उपरांत उस जल को घर के किसी पौधे में, कोई फूल है या किसी प्रकार का पौधा है, उसमें डाल दें। साथियों, तीन से चार दिन में वह पौधा पूरी तरह से मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझ लेना चाहिए बहुत जबरदस्त अभिचार कर्म आपके खिलाफ किसी ने किया है। साथियों, तंत्र कर्म होने पर, अभिचार कर्म होने पर व्यक्ति को लगातार बुरे स्वप्न आते हैं और लगातार उसके काम बिगड़ते चले जाते हैं। तो यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको लगता है कि आपके घर में, परिवार में, या आपको स्वयं इसको महसूस करते हैं, तो इसके उपाय के लिए यहाँ दो बातें मैं आपको बताऊंगा। बिना किसी के पास गए, बिना परेशान हुए, आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बेफिक्र होकर छुटकारा पा सकते हैं। नंबर एक, साथियों, आप देवी के किसी भी बीज मंत्र का, एक बीज मंत्र मैं बता देता हूं, ओम ह्रीम ओम, किसी भी योग्य आचार्य के पास जाकर देवी के किसी भी बीज मंत्र का, उसकी जानकारी लेकर के विधि पूर्वक जाप करें और त्योहार में, पूर्णिमा में, अमावस्या के दिन, दीपावली में, होली में, जो भी बड़ा त्यौहार हमारे यहाँ होता है, उसमें उस मंत्र जाप को एक घंटे से ऊपर करें, बाकी दिन 5 से 10 मिनट करें, तो बहुत कम टाइम में समस्त प्रकार के अभिचार यानी कि तंत्र कर्म से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और जिस व्यक्ति ने आपसे चिढ़कर आपके खिलाफ कोई यदि साजिश की है,
कोई बद्दुआ आपको दी है तो उसका कुफल उसी को प्राप्त होगा। नंबर दो, सोमवार से लेकर सोमवार तक 8 दिन लोबान, गूगल, सफ़ेद चंदन चूरा, लाल चंदन चूरा और देसी घी, ये 5 सामान एक किसी बड़े से कटोरे में डाल करके इसका धूप पूरे घर में धूप दे और 8 दिन तक यह धूप लगातार शाम के समय दे। धूप देते समय मंत्र चलता रहना चाहिए, ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः। तो लगातार 8 दिन तक ये जब धूप अपने घर में आप दोगे तो इससे भी समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से आपको बड़ी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको तंत्र कर्म के लक्षण और उससे छुटकारे का सटीक